हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रवांडा। समय चल रहा है 1994 का। पूरा रवांडा शहर दंगे से भड़का हुआ है। तुत्सी और हूतो जाति के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे हैं। इसी अफरा तफरी में एक फरिश्ता है जिसने अलग अलग जाति की चार औरतों को अपने घर में जगह दी है। उसी में से उसकी वाइफ भी है जो कि एक तुत्सी जाति की है, पर उसका पति फ्रांसिस्को हूतो जाति से बिलोंग करता है और इसीलिए उसने अपनी वाइफ को घर में बने एक बेसमेंट में छुपा दिया। तभी हम बाहर लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनते हैं, यानी कि आग अब और ज़्यादा भड़क चुकी है। उसी समय हम एक और औरत को देखते हैं जो कि बेहोशी की हालत में है। अब ये दिन जैसे तैसे गुजर जाता है, लेकिन जब अगले दिन एनी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर उसके अलावा चार और औरतें मौजूद थी। इसमें से एक अमेरिकन है जो यहाँ पर चैरिटी के लिए आई थी, लेकिन ऐसे माहौल के चक्कर में वो भी यहाँ फंस चुकी है। उसके साथ में एक सिस्टर है जो कि पास वाले चर्च में रहा करती है, लेकिन आज वो भी इन लोगों के साथ यहाँ पर बंद है। वहीं मुक्तेसी जो बेहोश थी, जब उसकी आँख खुलती है तो खुद को बंद पाकर वो चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी आने को उसे चुप कराती है और बताती है कि तुम अभी सेफ हो और आगे से चिल्लाना मत, वरना बाहर लोगों को पता चल जाएगा और हम सभी मारे जाएंगे। इसके बाद वो उन सभी को बताती है कि बाहर हूतो लोग हाथ में हथियार लिए तुत्सी लोगों को ढूंढ रहे हैं, उन्हें बिना वजह मारे जा रहे हैं। पूरे शहर में दंगे फैल चुके हैं और कोई भी सेफ नहीं है। वो मुझे भी मारने वाले थे, लेकिन फ्रांसिस्को मुझे एक कुएं के पास मिला जो मुझे लेकर यहाँ आ गया। तभी सिस्टर कहती है कि घबराओ मत, गॉड सबको सही कर देगा। इसके बाद हम उस अमेरिकन लेडी को देखते हैं जिसका नाम था एना। वो यहाँ पे असल में चैरिटी के लिए आई थी, लेकिन इन दंगों की वजह से वो भी अब फंस चुकी है, जैसे कि आपको पहले से पता है। इसी दौरान जब मुक्तेसी को पता चलता है कि एनी के एक हूतो है तो वो उसे दूर होने लगती है। कुछ ही पल की मोहब्बत अब नफरत में बदल जाती है, क्योंकि हूतो लोगों ने उसके पूरे परिवार को मार दिया। पर एनी बताती है कि बहुत से हूतो लोग ऐसे मौजूद हैं जिन्होंने तुत्सी लोगों की मदद की है। जरूरी नहीं है कि समुंदर में एक मछली जहरीली हो तो सभी वैसी होंगी। तब उसे समझ आता है, लेकिन सभी बहुत डरे हुए थे। उन्हें यहाँ कब तक रहना होगा किसी को कुछ पता नहीं है, और आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा? क्या ये लोग यहाँ पे सेफ हैं? ये सारी चीजें आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। कुछ समय के बाद मुक्तेसी कहती है कि मुझे टॉयलेट जाना है, लेकिन इस समय ये संभव नहीं है क्योंकि बेसमेंट बाहर से लॉक है और उसकी चाबी बस फ्रांसिस्को के पास है, जो इस समय कहाँ पर है किसी को पता नहीं है। अब रात हो जाती है और सभी लोग सो रहे थे, लेकिन तभी बारिश होना शुरू हो जाती है और बेसमेंट में बनी एक छोटी सी खिड़की से हवा अंदर आ रही थी जिससे कि इन्हें सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। तभी एना देखती है कि बेसमेंट की एक लकड़ी टूट रही है जिसके नीचे से नाली बहती है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वो उस लकड़ी को हटा दे तो टॉयलेट करने का ऑप्शन मिल सकता है। अब इसी तरह से दो दिन बीत गए थे और आज तीसरा दिन है, लेकिन अभी भी ये लोग इसे छोटे बॉक्स में बंद है। लेकिन अब इनके बीच थोड़ी सी दोस्ती हो गई है जिससे कि माहौल थोड़ा शांत है। लेकिन मुक्तेसी अभी भी एनी के पास आने से डरती है क्योंकि उसका पति एक तुत्सी है। क्या पता वो अपनी जान बचाने के लिए हम सभी को मार दे। वो उसे समझाती है कि अगर ऐसा होना होता तो वो हमें यहाँ सेफ नहीं रखता, बल्कि पहले ही मार देता। इसके बाद वो लोग कुछ ब्रेड खाते हैं जो कि वहाँ पर रखे हुए थे, क्योंकि वो बेसमेंट था और असल में फूड स्टोरेज भी, जहाँ पर कई सारे खाने के सामान मौजूद थे, लेकिन अब वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इसी दौरान एनी खिड़की से बाहर देखती है कि बाहर कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे। उसे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगता है कि कम से कम कोई तो कुछ अच्छा कर रहा है। लेकिन उसी समय वहाँ पर एक आदमी आता है जिसके हाथ में एक तलवार और बंदूक थी। वो उन सभी बच्चों से उनकी आईडी मांगता है कि वो हूतो हैं या फिर तुत्सी, लेकिन वो बहुत ही छोटे थे और उनके पास कोई आईडी नहीं थी। वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि हम हूतो हैं और हमारी आईडी घर पर भूल गए। उस आदमी को उन पर यकीन हो जाता है, पर वो उनसे कहता है कि ये समय फुटबॉल खेलने का नहीं है, जाकर तुत्सी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारो, तब जाकर तुम्हें अपने हूतो होने पर गर्व होगा। अब ये देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिर ये समय किस तरह का चल रहा है। कुछ लोग दूसरों के दिमाग में बस नफरत भरते जा रहे हैं और उन्हें भड़का रहे हैं। वहीं लोग जो एक साथ एक घर के ऊपर नीचे रहते थे, आज वही एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। तभी एक बच्चा आकर उस छोटी सी खिड़की के अंदर देखने लगता है। एनी उसे देखकर डर जाती है और नीचे बैठ जाती है, पर वो लड़का असल में खिड़की पर बैठी एक तितली को देख रहा था जो कम से कम आजाद थी और उसे किसी जाति की जरूरत नहीं थी आसमान में उड़ने के लिए। अब यहाँ समय बिताने के लिए इन लोगों के पास कुछ नहीं था, इसलिए आपस में खेलने लगते हैं जिससे कि थोड़ा टेंशन और टाइम भी पास हो जाए। लेकिन कुछ ही देर बाद रात हो जाती है, जो इन चारों के लिए बहुत ही भयानक होती है, क्योंकि रात में ही कुछ लोग लड़कियों को जबरदस्ती अपने घरों में ले जाते हैं और उनकी चीखें ये लोग आसानी से सुन सकते थे, जिससे कि सभी की रूह कांप जाती है। किसी को हल्की सी भी नींद नहीं आती, सभी ऐसे ही बैठे बैठे पूरी रात गुजार देते हैं।
विला जिन्हें 7 दिन हो चुके हैं इस बेसमेंट में, छोटी सी खिड़की से आती हुई सूरज की किरणें इन्हें को उम्मीद दे रही थी कि घबराओ मत, कुछ समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एक औरत उन्हें बाहर दिखती है जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही। अब एना उसे देख लेती है और एनिक से कहती है क्यों ना हम उसे आवाज लगा के यहाँ पर बुला ले, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि ऐसे बाहर वालों को इस जगह के बारे में पता चल सकता है। तभी नर्स अपने एक साथी को देखती है जो उसके साथ चर्च में प्रे करने और सारे क्लीनिंग का काम करती थी। वो ये देखकर काफी खुश थी कि अब उस लड़की की जान बच गई है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो असल में एक हूतो था और वो लड़की तुस्सी, तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और फिर उसके साथ गलत काम करते हैं। उसकी चीखें ये लोग सुन नहीं पा रहे थे, इसलिए इन्होंने अपने कान को बंद कर लिया था और उसका फायदा उठाकर वो लोग उसे जान से मार देते हैं। उस देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है तो एनिक बाहर देखती है तो वहां उस लड़की की कटी हुई लाश पड़ी थी जिसे उसका पूरा शरीर सुन पड़ जाता है और वही सदमे में चली जाती है। ये सब इन लोगों के लिए बहुत ही नया था, ऐसा कुछ इनके शहर में हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, पर अब ये हकीकत है। उस दिन की रात को बेसमेंट में सन्नाटा था, किसी के कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, सभी की आंखों में आंसू थे। नर्स उन्हें बताती है कि वो जो औरत मरी पड़ी हुई है उसे मैं जानती थी, वो मेरे हस्बैंड की शॉप पर आए दिन आया करती थी। वो 7 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। जिस आदमी ने उसे मारा है वो दिन में 2 बार प्रे करने आता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसके अंदर एक शैतान बसता है और ऐसे लोगों को गॉड सीधा नरक में डालेगा। तो आप देख सकते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर लोगों को कैसे भड़काया जा रहा है। तभी मुक्तेसी कहती है कि उस लेडी की मौत एनिक की वजह से हुई है, अगर वो उसे अंदर बुला लेती तो बच जाती, लेकिन वो कहती है कि वो अंदर आ ही नहीं सकती क्योंकि बेसमेंट लॉक है और उसकी चाबियां हमारे पास नहीं है। यहाँ पे मुक्तेसी को हर चीज में एनिक की गलती दिखाई दे रही थी। अब वो तो उसे ये तक कह देती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम्हारा हस्बैंड हमें आकर बचाएगा, उसे तो बाहर लोगों ने मारकर फेंक दिया होगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप बैठी रहती है। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि बाहर तुत्सी लोग कुत्ते लेकर घूम रहे, जिसे एना को कहीं ना कहीं ये डर था कि अगर कुत्तों ने उन्हें स्मेल कर लिया तो वो सब मारे जाएंगे। उसकी इस बात को सुनकर मुक्तेसी कहती है कि ये सब तुम लोगों ने शुरू किया था, हम लोग यहाँ पे सालों से एक साथ रहते आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन ने यहाँ आकर हमें एक दूसरे से लड़वाया, अपनों को बीच में लड़वा कर वो यहाँ से चले गए। ये सुनकर एना कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे ये अच्छे से पता था कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं इसके पीछे उसी के देश का हाथ है, क्योंकि अमेरिका को जहाँ फायदा दिखता है वो उस देश में घुस जाता है और सबको बर्बाद कर देता है। अब आधी रात को नर्स उठती है क्योंकि उसे भूख लगी हुई थी। वो एना का बैग चेक कर दी तो उसमें उसे कुछ खाने का सामान मिलता है, लेकिन तभी मुक्तेसी भी उठ जाती है और ये देख लेती है। वो एना के ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुम हमसे ये सब क्यों छुपा रही थी, लेकिन एनिक उसे समझाती है कि यहाँ पर वो गरीब बच्चों की मदद करने के लिए आई थी, कम से कम उसके बारे में तो ऐसा मत सोचो। तो एना उन्हें समझाती है कि वो किसी से कुछ नहीं छुपा रही है, असल में वो तो बस खाने को स्टोर कर रही थी ताकि आगे जाकर उन्हें भूखा ना रहना पड़े, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी दिनों तक हमें यहाँ रहना पड़ सकता है। अब एनिक सभी को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन वो बच्चे का कोई नाम नहीं देगी बल्कि वो उसे बेनाम रखेगी ताकि आगे जाकर उसे जाति का भेदभाव ना झेलना पड़े। वो एना से एक पेन लेती है और बेसमेंट की दीवारों पर डे काउंट लिखना शुरू कर देती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में वो मुक्तेसी की कही हुई बात का डर सता रहा था कि अगर फ्रांसिस्को को सच में कुछ हो गया तो वो कैसे इस दुनिया में अकेले सर्वाइव कर पाएगी। अब सुबह हो जाती है, एना के पास एक बुक थी जिसे वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। एनिक उसमें लिखी हुई स्टोरी पढ़कर सभी को सुनाने को कहती है। उसी दौरान उन्हें कुछ महसूस होता है जैसे कि ऊपर कोई आ गया हो। सभी बहुत डर जाते हैं कि क्या ये उनके अंत की आहट सुनाई दे रही है। तभी बेसमेंट का डोर खुलता है, पर वहां पर कोई दुश्मन नहीं बल्कि फ्रांसिस्को था जो आज कई दिनों बाद लौट कर आया था। उसे देखकर एनिक बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उसे लग रहा था कि वो मर चुका है, लेकिन वो अभी जिंदा है। अब वो सभी को खाना देता है और उन्हें बताता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, अब UN यहाँ पर आ गया है हम सभी की रक्षा करने के लिए। तो एनिक बाहर आने लगती है, लेकिन वो उसे अंदर ही रहने को कहता है और एना को बाहर आने को बोलता है क्योंकि वो वाइट थी और UN वाले अभी सिर्फ वाइट लोगों को ही यहाँ पर लेने आए थे जो कि उनके देश के हैं, पर वो जाने से मना कर देती है क्योंकि वो ऐसे ही इनको छोड़कर नहीं जा सकती जिसने इतने दिनों तक उन्हें बचा कर रखा है। पर फ्रांसिस्को के जाने के बाद वो बहुत रोती है और सभी से कहती है कि UN वाले सिर्फ वाइट लोगों को क्यों ले जा रहे हैं, पर उन्हें ये नहीं पता था कि यूरोप को अपने लोगों की पहले ज्यादा फिक्र है। वेल, अब यहाँ मुक्तेसी के मन में कुछ कड़वी बातें आने लगती है क्योंकि अब उन्हें अपना राशन का 4 हिस्सा करना होगा, अगर वो चली जाती तो उन्हें थोड़ा ज्यादा खाना मिल पाता। अब कई दिन बीत जाते हैं, पहले तो फ्रांसिस्को भी आया करता था लेकिन अब वो काफी दिनों से नहीं आया, इसलिए उससे उसकी फिक्र होने लगी थी। उसी दौरान हम देखते हैं कि खिड़की के बाहर कुछ लड़के खड़े होकर टॉयलेट कर रहे थे और उनके छींटे अंदर इन लोगों के मुंह पर गिर रहे थे, पर वो अभी कुछ भी बोल नहीं सकते, अगर उन्होंने आवाज की तो वो जान से हाथ धो बैठेंगे। अब कुछ दिनों के बाद फ्रांसिस्को फिर से लौट आता है और वो उन लोगों के लिए कुछ खाने का सामान लाया था।
कुछ एक्स्ट्रा राशन भी लेकर आया था और कुछ एक्स्ट्रा राशन जो वो अपने बच्चे के लिए लेकर आया था। लेकिन उस पर मुक्तेसी की नजर होती है। जोहाना पूछती है कि क्या यूएन वाले चले गए, तो वो कहता है कि हाँ, यानी कि उन्होंने सिर्फ व्हाइट लोगों को ही अपने साथ रखा था। तभी कुछ लोग बाहर गेट पर नॉक करने आते हैं, तो फ्रांसिस्को उन्हें वहीं अंदर बंद कर देता है और गेट खोलता है। वहां पर कुछ हूतो लोग थे जिन्हें खबर मिली थी कि फ्रांसिस्को की वाइफ एक हूतो है, लेकिन वो मना कर देता है और कहता है कि उसकी वाइफ तो अपनी माँ के घर गई है, जिसे वो लोग वापस चले जाते हैं। और एनक को सांस में सांस आती है, लेकिन तभी मुक्तेसी उस राशन को खाना शुरू कर देती है जिस पर उसकी नजर हमेशा से थी। तभी एना उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो उसके हिस्से का नहीं था। अब ये बात मुक्तेसी को बुरी लगती है और उन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो जाती है। सभी उनकी लड़ाई छुड़वाते हैं, लेकिन ये तो होना ही था क्योंकि ऐसी जगह पर इतनी दिन बिताने का किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। यहाँ रहते हुए इन्हें 35 दिन से ऊपर हो चुके हैं। वो हर दिन सेम वही काम करते हैं ताकि उनका समय बीत सके। अब यहाँ एनक दीवारों पर डे काउंट भी लिखती है, सभी ने अपना अपना नाम भी लिख रखा था। और यहाँ एना को पता चलता है कि एनक को इंग्लिश पढ़ने नहीं आती, तो वो उसे इंग्लिश के कुछ वर्ड भी सिखाती है सेम उसी बुक में जिसे वो यहाँ अफ्रीकन बच्चों को पढ़ाया करती थी। अब धीरे धीरे वो उन वर्ड्स को पढ़ना और लिखना सीख गई थी। कई दिनों के बाद उनका राशन भी अब खत्म हो जाता है। उनके पास अब खाने को कुछ नहीं था और ना ही अभी तक फ्रांसिस्को आया था। अब यहाँ एनक को डर लगने लगा था कि क्योंकि इतने टाइम वो राशन लाने में कभी नहीं लगाता था। अब 5 दिन बाद बेसमेंट का दरवाजा खुलता और एक हाथ अंदर आता है। ये हाथ फ्रांसिस्को का था, जिसका हाथ पकड़कर एनक रोने लगता। तो वो कहता है कि हम जितने भी लोग की मदद कर रहे थे वो सभी मारे जा चुके हैं। अब हमारा बाहर निकलना सेफ नहीं है, ये वो जगह नहीं रही जहाँ पे हम सभी खुशी से रहते थे। तुम लोगों को अभी कुछ दिन और अंदर रहना होगा, हमारे जैसे और भी लोग हैं जिनकी मदद मैं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। अब समय बीतने लगता है और पूरे 2 महीने हो गए थे। इन चारों को यहाँ रहते हुए आखिर कब तक वो ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे, यही सवाल चारों के दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन किसी को इसका जवाब नहीं पता था। अब उनके पास पानी भी खत्म होने लगा था। वो बाहर होने वाली बारिश का पानी को इकट्ठा कर लेती हैं और बारी बारी सभी उसे पीती हैं। कुछ दिनों के बाद फिर से फ्रांसिस्को आता है, लेकिन अब सभी इतने कमजोर हो चुके थे कि कोई खड़ा तक नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो उन्हें राशन देता और पीने का पानी। इसके बाद वो एनक को बताता है कि रेबल्स ने लड़ाई करना शुरू कर दिया है, जिससे कि हूतो आर्मी पीछे हट रही है और कुछ ही दिनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तब हम लोग यहाँ के होटल कॉलिन में जाकर रहेंगे, जहाँ पर सारे रेफ्यूजी रहते हैं। अब वो चला जाता है, पर तभी एना को दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा थी और इतने छोटे से एरिया में उसे घुटन होने लगती है। सभी उसे संभालते हैं और पीने का पानी देते हैं। इस तरह से 77 दिन बीत चुके थे और अभी भी सब कुछ वैसा था, कुछ भी बदला नहीं था। उसी रात उन्हें बाहर से कुछ आवाजें आती हैं, जिन्हें उन्हें पता चलता है कि पड़ोस में रह रहे तुत्सी परिवार को खत्म कर दिया गया है। उनकी चीखें उन्हें सुनाई दे रही थी, जिसमें छोटे बच्चे भी मौजूद थे। जिसके बाद वही लोग अब इनके घर में भी घुस आए थे। वो फ्रांसिस्को को आवाज लगाते हैं, लेकिन वो वहां मौजूद नहीं था। लेकिन उन्हें ये अच्छे से पता था कि उसकी वाइफ यही छुपी हुई है और इसीलिए वो झूठ बोलते हैं कि हमने फ्रांसिस्को को पकड़ लिया है, उसे किसी भी समय मार देंगे। अब ये सुनकर एनक बहुत डर जाती है, पर सभी उसे शांत होने को कहते हैं। लेकिन यहाँ सभी को इस बात का डर था कि अगर फ्रांसिस्को को कुछ हो गया तो उन्हें यहाँ से बाहर कौन निकालेगा, इसलिए सभी फैसला करते हैं कि वो खुद उस होटल तक जाएंगे। तो वो बेसमेंट का डोर खोलते हैं, लेकिन वो इतना आसान नहीं था, जिससे कि उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। और फिर उनके पास एक ही चीज बचती है, वो थी अपनी मौत का इंतजार करना। ऐसे ही करते करते अब हो जाते हैं पूरे 82 दिन। सब जिंदा लाश की तरह यहाँ वहाँ पड़े हुए थे, लेकिन तभी मुक्तेसी को एक आइडिया आता है, क्यों ना उसके पास मौजूद कटर से वो गेट को खोलने की कोशिश करे। वेल, उन्होंने सभी चीजें ट्राई करी थी, तो ये भी क्यों ना कर ले। और लकीली दोस्तों, वो कटर की मदद से गेट को खोल लेते हैं, जिसके बाद सभी एक एक करके बाहर आने लगते हैं। लेकिन उसी समय घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। फिर कुछ लोग अंदर आने लगते हैं, सभी को लगता है कि अब उनकी मौत करीब है, लेकिन वह असल में रेबल थे जिनके साथ फ्रांसिस्को भी होता है। वो एनक को देखकर उसे गले से लगा लेता है और रोने लगता है। वो बताता है कि उन्होंने स्कूल को ढूंढ लिया है जहां मैंने कुछ लोगों को छुपाया था और उन्होंने वहां सभी को मार दिया। मैं बच गया क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए अपने पड़ोसी की लाश दफनाने के लिए गया था और उसी ने मेरी जान बचा ली, लेकिन जब मैं लौटा तो वहां सभी की लाशें पड़ी थी। अब एनक उसे संभालती है और सभी एक साथ गले लगकर रोने लगते हैं। एना बार बार उस बेसमेंट को देखती है, उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे उन्होंने यहाँ पे इतने दिन सरवाइव कर लिया। हमें बताया जाता है कि इस पूरे समय में रवांडा में तकरीबन 10 लाख लोगों को मार दिया गया, जिसमें तुस्सी और हूतो दोनों जाति के लोग थे, लेकिन फायदा किसी का नहीं हुआ। बची हुई औरतों ने खुद के दम पर संगठन बनाया और आज वो लीडर है। यहाँ हमें यह भी बताया जाता है कि इस हादसे के होने के बाद रवांडा दुनिया में एक ऐसा देश बन गया जहां पर मेन से ज्यादा वोमेन गवर्नमेंट ऑफिशियल के रूप में अपॉइंट करी गई। दोस्तों, अगली बार अगर आपको कोई धर्म या जाति के नाम पर भड़काए तो आपको ये समझ जाना है कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है।
इसलिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि दंगों से किसी का फायदा नहीं होता, लोग सिर्फ अपनों को खो देते हैं। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।